आईजी करनाल मंडल भारती अरोड़ा द्वारा लघु सचिवालय के प्रांगण में पुलिस विभाग व रविंदर कुमार मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग इंजीनियर की मदद से जिला पुलिस के परिजनर वैन को सैनिटाइजेशन वैन में परिवर्तित किया गया है। बाद में वैन को पुलिस कर्मचारियों को सैनिटाइज करने के लिए फ्लैग ऑफ करने के रवाना किया गया। भारती अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोविड-19 एक महामारी के रूप में पूरे विश्व के सामने है। महामारी से बचने का तरीका सामाजिक दूरी व घर के अंदर अपने आप को लॉकडाउन करके बचाया जा सकता है। लॉकडाउन के नियमों को लागू करवाना पुलिस का इस समय प्रथम कर्तव्य है। पुलिस कर्मचारी प्रथम पंक्ति में कोरोना से लड़ने में जुटे हुए प्रत्येक कर्मचारी 24 घंटे में से 12-12 घंटे के व्यस्त ड्यूटी दे रहे हैं। ऐसे में उनका स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि संक्रमण किसी को भी हो सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे द्वारा सैनिटाइजेशन वैन तैयार की गई है, जिसके अंदर एक समय में 12 पुलिस कर्मचारियों को खड़ा करके उनके पूरे शरीर को सैनिटाइज किया जाता है। सैनिटाइजेशन के लिए हमारे द्वारा प्रयोग किया गया है जो मानव स्वास्थ्य को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। उन्होंने बताया कि यह वैन नाके पर तैनात पुलिस कर्मचारी व थाना चौकी में तैनात कर्मचारियों के पास पहुंचकर उनको सैनिटाइज करेगी। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि अगर रास्ते में आने जाने वाले व्यक्तियों को भी सैनिटाइज किया जा सकता है। अरोड़ा द्वारा सुरेंद्र सिंह भोरिया पुलिस अधीक्षक की तारीफ करते हुए कहा गया कि पुलिस अधीक्षक करनाल बेहद मेहनती हैं और अपने पुलिस जवानों के बारे में बहुत अधिक सजग रहते हैं। उन्होंने इससे पूर्व भी एंटीवायरस बॉक्स जिला पुलिस के लिए उपलब्ध करवाए थे, जो अब कई और राज्य की पुलिस भी उस मॉडल को तैयार करवा रही है। अब हमारे बीच मंत्रणा हुई है कि पुलिस कर्मचारियों के लिए सैनिटाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं। उस विचार से यह सैनिटाइज वैन का मॉडल तैयार किया गया है। इस प्रयोग की सफलता को देखते हुए करनाल मंडल के सभी जिलों पानीपत व कैथल के लिए भी यह वैन तैयार करवाई जाएगी, ताकि करनाल रेंज करीब 150 नाकों पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को सैनिटाइज किया जा सके। इसका मकसद ये है कि ये मोबाइल वैन है, मोबाइल सैनिटेशन के लिए, क्योंकि हमारे जैसे आप लोग जानते ही हैं कि पूरे रेंज में करीब 150 नाके लगे हुए हैं और इन 150 नाकों पे 24 घंटे मुलाजिम 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। तो जो मुलाजिम सड़कों पे खड़े हुए हैं उनको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। उनकी हेल्थ और उनका वेलबींग हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। तो इसलिए हमने सोचा कि इनको किस तरह से हर मुलाजिम को जो सड़क पर खड़ा हुआ है उसको किस तरीके से ये सेफ्टी गैजेट उपलब्ध कराया जाए। तो एक हमारे बैचमेट हैं महाराष्ट्र में, श्री विश्वास नांगरे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था, तो उनसे हमने ये सीखा, ये आइडिया लिया है। और एसपी साहब से जैसे ही मैंने शेयर किया तो जैसा आप जानते हैं कि वेरी एफिशिएंट, फटाफट उन्होंने एकदम तैयार करा दिया। और ये कि हमारी नई प्रिजन वैन है, अभी तक ये यूज़ भी नहीं हुई थी, इज़ अ ब्रांड न्यू व्हीकल। इस प्रिजन वैन को महेंद्र जी हैं, उन्होंने हमारे रविंदर जी हैं, इज़ अ फार्मर, और उन्होंने हमारी हेल्प करके इसको इसके अंदर मॉडिफाई करके इसको सैनिटाइजेशन वैन में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें दो चेंबर्स हैं और एक साथ 12 लोग इसके अंदर आ सकते हैं, 12 मुलाजिम एक साथ आ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि 12 मुलाजिम इसके अंदर आ जाएंगे और इसका जो बटन है वो ड्राइवर के पास है, वो 3 सेकेंड के लिए बटन को दबाएगा और पूरी गाड़ी में स्प्रे हो जाएगा। जो स्प्रे हमने लिया है, यूज़ किया है, वो बिल्कुल सेफ है। बेंजापोनियम क्लोराइड ये हमने यूज़ किया है इसमें, जो कि बिल्कुल सेफ है, और इससे 3 सेकेंड में 12 मुलाजिम हमारे सैनिटाइज होते हैं। 3 मई तक जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, तो करनाल और हरियाणा के लोगों से आप क्या कुछ अपील करेंगे कि जिस तरह से 21 दिन उन्होंने साथ दिया, आगे भी 19 दिन इसी तरह से हरियाणा पुलिस का साथ दें? जी हाँ, बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे करनाल ने बहुत अच्छी डिसिप्लिन शो किया है और अपना देशभक्ति शो करिए दिखाई है उन्होंने, कि हम सब साथ में मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का ये पहला लॉकडाउन हमारा चला, उसी तरह जो नेक्स्ट फेज है वो भी उसी तरीके से वो पूरे डिसिप्लिन में उसको फॉलो करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि और ज़्यादा सख्ती से अब लागू करवाया जाएगा, और किस तरह की सख्ती की बात हो रही है? सख्ती यही है कि 100% लॉकडाउन होना चाहिए, बिना मतलब कि कोई बाहर ना आए, केवल बहुत ही ज़रूरी सेवाएँ हों जिनकी केवल वही बाहर आएँ। बाकी आप जानते हैं करनाल में सारी जो नेसेसिटीज़ हैं, जो ज़रूरी सामान है, वो तो आपको डोर स्टेप पर मिल ही रहा है, तो ऐसे में बाहर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जैसा आप जानते हैं कि करनाल भी हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया गया है,
और भी ज्यादा आवश्यक है कि हम, हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि इसको हम बिल्कुल कोरोना फ्री करके दिखा दें। कोरोना पॉजिटिव जो मरीज, लॉकडाउन बढ़ाया गया तो पुलिस किसके साथ साथ जो है ड्यूटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो और कौन कौन से रूल्स जो है वो अब लागू किए जाएंगे लॉकडाउन को लेकर? रूल्स तो देखिए वही है जो अभी तक चले थे, कोई नया रूल नहीं है इसमें, सेम रूल्स हैं जो चल रहे थे, लॉकडाउन इसी तरीके से फॉलो किया जाएगा। मैडम, चार ड्रोनों के जरिए नजर रखी जा रही है करनाल पर, तो कम से कितने मामले जो हैं दर्ज किए हैं? हमने कल से ही स्टार्ट किया है ड्रोन्स के माध्यम से नज़र रखने का, वो इसलिए किया है कि कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग पुलिस को देख के तो अंदर चले जाते हैं, जैसे पुलिस जाती है फिर बाहर आ जाते हैं, तो इससे बड़ा अच्छा एरियल व्यू हो जाता है और एरियल सर्वेलेंस ऑलवेज हमेशा बेटर रहता है। तो एरियल सर्वेलेंस प्लस अभी आप लोग जैसे जानते हैं कि प्रोक्योरमेंट शुरू होनी है मंडियों में, हर मंडी में फिलहाल में करीब 150 मंडियाँ हैं और हर मंडी में 50 आदमी अलाउ किए गए हैं लॉकडाउन, तो उनको इन मंडियों को सुपरविजन के लिए भी बहुत जरूरी है कि ऊपर से एरिया जुड़ लेंगे तो हम देख सकते हैं कि 50 आदमी जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। अभी आपके सामने पहले अभी हमने करनाल में ही शुरू किया है, हमारी कोशिश रहेगी कि कैथल और पानीपत में भी ऐसी हम लाइन। किसानों को परेशानी आ रही है, काफी किसान ऐसे हैं करनाल के, हरियाणा के, जो यूपी में उनकी जमीन है वहां जाना होता है, तो यूपी पुलिस से कोई बात हुई, यूपी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई, उनको रोका जाता है, वो परेशानी ना आए, खासतौर पर सीजन है किसानों का? इसमें देखिए डीसी साहब के पास लाइसेंस देने की अथॉरिटी है, तो जो भी आप जिनकी ज़रूरत है उनको लाइसेंस दिया जा रहा है, जो लाइसेंस चाहते हैं मिल जाएगा। जिस तरह जनरल ऑर्डर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसमें हार्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए विद इन स्टेट और आउटसाइड द स्टेट, वो एक जनरल ऑर्डर पास हो गया है, आपको अपनी फर्द की कॉपी साथ रखनी है, उसमें मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत। एसेंशियल कमोडिटी में इसको भी डिक्लेयर किया गया है। जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान ही बलेरो गाड़ियां भी आई करनाल पुलिस में, स्कूटर और बाइक्स भी दी, ड्रोन भी आ गए और आज सैनिटाइजेशन वैन है पूरे हरियाणा में, यानी एक किस्म से मिसाल भी बन रहा है करनाल की, हाईटेक हो रहा है लगातार। जी हाँ, हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाईटेक यूज़ किया जाए, टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हमारे मुलाजिमों के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। मैम, उन कोरोना पेशेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने मिसाल पेश की है करनाल की? कल्पना चावला की एक लेडी डॉक्टर, एक नर्स और एक बिरजपुर के जो युवक थे, वो बिल्कुल ठीक होकर 4 से 5 दिनों में अपने घर गए हैं। लोगों में पैनिक रहता है, एक शख्स ने भागने की कोशिश की, एक ने सुसाइड करने की कोशिश की, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कि ये हमारे बहुत बहादुर कोरोना के जो हैं वॉरियर्स हैं, जिन्होंने एक्चुअली डिफीट किया है कोरोना को और दिखा दिया है कि और लोगों को भी इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिल्कुल हम ऐसे ही अपने जज्बात के साथ और बुलंद हौसलों के साथ इस बीमारी को हरा सकते हैं। शोका कॉलोनी में एक पेशेंट मिला था, लेकिन वहाँ की कॉलोनी को पूरे तरीके से सील कर दिया गया, तो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे कि हम लोगों को सामान लेने के लिए बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, तो वहाँ के लोगों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारे जो एक तो लॉकडाउन तो पूरे ही शहर में है जहाँ पे सील किया गया, सबको घर में पहुँचाया जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, प्रशासन सबको पहुँचा रहा है। पुलिस कर्मचारी इतनी लंबी लंबी ड्यूटी दे रहे हैं, सभी ऑफिसर भी सड़कों पर जाकर मुआयना करते हैं, क्या मैसेज देंगे मैम उन लोगों को जो अभी भी गर्मी में खड़े हैं? हमारे सभी मुलाजिमों को यही मैसेज है कि आप लोग बहुत ही बहादुरी से काम कर रहे हैं, हमें आपके ऊपर गर्व है, फख्र है और हम चाहते हैं कि इस वक्त जो आप देश की सेवा कर रहे हैं वो सबके सामने है और एक मिसाल पेश की है आप लोगों ने सबके सामने। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है इस बारे में पब्लिक से कि जो कोरोना के योद्धा हैं, उन्होंने स्पेशली पुलिस ऑफिसर्स का, पुलिस का नाम लिया है कि उनका सभी को सम्मान करना है, तो ये खुद हमारे लिए एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है, गौरव की बात है कि स्वयं प्रधानमंत्री हमारे रोल को रिकग्नाइज कर रहे हैं, ये सभी है, ये इतना मोटिवेशन हमारे लिए बहुत है, हम जी जान से लग के आगे भी काम करें। मैम, पटियाला के अंदर जो केस हुआ नीहम सिख की तरफ से, उसमें पुलिसकर्मी का हाथ भी काट दिया गया, पुलिस वालों की सुरक्षा किस तरीके से उस पर ध्यान रखा जा रहा है कि ताकि इस तरह की घटनाएं हरियाणा के अंदर ना हो? जी हाँ, इसमें नाकाबंदी करने का तरीका होता है, प्रोफेशनल तरीका होता है कि किस तरह नाकाबंदी की जाती है। 2005 में एक फिल्म बनाई थी हमने नाकाबंदी के ऊपर, करनाल पुलिस ने उस वक्त 2005 में एक फिल्म बनाई थी, तो वो फिल्म मैंने निकलवा ली है और वो फिल्म हर नाके पे जितने मुलाजिम हैं सबको दिखा जाएगा ताकि प्रोफेशनली नाकाबंदी की जाए और इस तरह का कोई डेंजर अगर आता है तो उसको किस तरह डील करना है वो किया जाए। मैडम, वो लोग जानना चाह रहे हैं जो गाड़ियाँ इम्पाउंड हो चुकी हैं, पहले 14 तारीख तक का टाइम था, अब उनके लिए क्या वो लॉकडाउन के बाद में वो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.